अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और इसके लिए मैंने सारे फ्रेश फ्रूट लिए हैं, क्योंकि आजकल फ्रूट सारे सीज़न में आए हुए हैं। और इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लें। ये एक कप अनार हैं, अनार के मैंने दाने निकाल लिए हैं। एक कप ही अंगूर हैं। तीन से चार अदद हम इसमें बनाना यूज़ करेंगे और एक अदद सेब। इनको मैंने अभी कट नहीं किया क्योंकि ये काले हो जाते हैं, इसलिए इनको हाथ के हाथ ही कट करेंगे। एक कप दूध की बलाई है, दो टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप जो चाहे ले सकते हैं। और ये दूध है मेरे पास, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम दूध शामिल करेंगे इस बर्तन में। दूध को हम बॉयल करेंगे। दूध में अब मैं ये चीनी शामिल करने लगी हूँ, जो मैं बताना भूल गई थी। ये दो टेबलस्पून चीनी ली है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। दूध में बॉयल आने लगा है, अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे, कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को मैंने थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया है, अब हम ये शामिल कर देंगे। और अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे हल्की आंच पे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, ये पक गया है, अब हम इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले ये मैंने इसमें पाउंड केक लगा दिया है बाउल में। ये मैंने पहले आपको नहीं बताया था, ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसमें इस्तेमाल करें या ना करें। इस तरह से हम इसमें ये रख देंगे पहले, फिर इसके ऊपर ये जो ठंडा किया हुआ कस्टर्ड है ये शामिल करेंगे। और फिर थोड़े थोड़े करके सारे फ्रूट्स शामिल कर देंगे हम। और अब इस तरह से इसे डेकोरेट कर लेंगे, आप चाहे जिस तरह से मर्जी कर लें। और अब ये जो मैंने आपको दूध की बलाई बताई थी, इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है और अब ये शामिल कर देंगे। फिर थोड़ा सा कस्टर्ड शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से ऊपर से बलाई की तह लगा देंगे एक और। और ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।